अस्सलाम वालेकुम, हमजा ज़ाहिद खान, पाकिस्तान प्रैक्टिकल शूटिंग एसोसिएशन से। आई होप आपको हमारा पिछला पार्ट पसंद आया, जिसमें हमने बड़ी तफसील में डिस्कस किया सेफ्टी के बारे में, आपके हथियार को पहचाने और आपकी ग्रिप कैसी होनी चाहिए, आपकी स्टांस और खड़े होने का तरीका कैसे होना चाहिए। आई होप आपको याद है कि आपने प्रैक्टिस करनी थी आधा घंटे तक एटलीस्ट, एक घंटे तक एटलीस्ट, जिसमें आप 30 सेकंड्स का होल्ड करते हैं अपनी पोजीशन को, 30 सेकंड्स का रेस्ट करते हैं, अपने मसल्स को डेवलप करते हैं। अगर नहीं किया और आप ये पहला पार्ट सेकंड पार्ट पहली बार सुन रहे हैं, तो प्लीज़ गो पहला पार्ट को सुने, समझें और फिर इस सेकंड पार्ट को तवज्जो दें। सेकंड पार्ट में आज हम डिस्कस करेंगे साइट्स। साइट्स में जैसे कि आप लोग सब जानते हैं, आपके वेपन के ऊपर एक फ्रंट साइट होती है और एक रेयर साइट होती है। नाउ इन फ्रंट साइट और रेयर साइट को समझने से पहले आपको अपनी डोमिनेंट आई कौन सी है ये समझना है। बहुत सारे लोग कभी भी कंफ्यूज होते हैं, जब अपना वेपन उठाते हैं तो कंफ्यूज होते हैं कि अपनी वो राइट आंख के सामने लाएं या लेफ्ट आंख के सामने लाएं। तो सबसे पहले तो आपने ये समझना है कि आपकी डोमिनेंट आई कौन सी है, कौन सी आपकी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आई है जिस पे आपका ज़्यादा तवज्जो जाता है। यूजली जो राइट हैंडेड शूटर्स होते हैं, जो राइट हैंडेड होते हैं, उनकी राइट आंख डोमिनेंट होती है, और जो लेफ्ट हैंडेड होते हैं उनकी लेफ्ट आंख डोमिनेंट होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास जब आते हैं तो उनको ये प्रॉब्लम फेस करनी होती है, जिसमें राइट हैंडेड होते हैं बट उनकी डोमिनेंट आई लेफ्ट बनी हुई होती है, और वो अपनी लेफ्ट आंख को बंद नहीं कर पाते हैं या राइट आंख को बंद नहीं कर पाते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं आँखों के रिलेटेड। तो इसका बड़ा आसान तरीका है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी की तरफ देखें और झटके से अपनी उंगली उनकी तरफ करें। जब आप झटके से अपनी उंगली उनकी तरफ करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, दूसरे बंदे को समझ आ जाएगी, या शीशे की तरफ देख के आप अपने आप को करें तो आपको एकदम से समझ आ जाएगी कि हाँ यार, ये जो मेरी उंगली है ये मेरी राइट आंख के सामने एकदम से आ रही है या लेफ्ट आंख के सामने आ रही है, मैं लेफ्ट आंख कर नहीं पा रहा हूँ। तो सबसे पहले इस चीज़ को समझना है कि आपकी डोमिनेंट आई कौन सी है, और कोशिश करना है कि अगर आप राइट हैंडेड शूटर हैं तो अपनी आंख को राइट आंख को अपनी डोमिनेंट आई बनाएं। प्रैक्टिस लगेगा, लेफ्ट आंख बंद करके राइट आंख उठानी पड़ेगी, या इधर हाथ रख के या कोई टेप लगा के, कोई ब्लाइंडर लगा के आपको आदत बनानी पड़ेगी कि आप जब भी उंगली उठाएं, अपनी पॉइंटिंग फिंगर उठाएं, तो आप अपनी राइट आंख के सामने उसको लाएं। आपकी आंख एक वक्त पे एक जगह ही फोकस करती है, या वो दूर फोकस करेगी या वो नज़दीक फोकस करेगी, बट वो एक वक्त पे एक ही जगह पे फोकस कर सकती है। तो ये एक एबिलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक शूटर की एबिलिटी होनी चाहिए कि उसका फोकस बहुत तेज़ चेंज हो और अच्छा क्लियर हो, जब जहाँ भी वो फोकस करना चाहे तो एकदम से क्लियर हो जाए चीज़। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अपनी उंगली को फोकस कर रहा हूँ, भले एक आंख से फोकस कर रहा हूँ, दो आंख से फोकस कर रहा हूँ, और फिर एकदम से मैं दूर फोकस करता हूँ तो मेरी उंगली धुंधली हो जाती है, फिर एकदम से मैं उस फोकस को एकदम से अपनी आंख पे ले आता हूँ ना, कितनी तेज़ में मैं ये टक 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 टक, कितनी स्पीड में मैं ये अपना फोकस चेंज करता हूँ। बहुत लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि एक आंख से मैं निशाने लूँ फायरिंग करूँ, या मैं दोनों आँखें खोल के फायरिंग करूँ। इसका जो जवाब है वो बड़ा सिंपल है, इट इज़ रिलेटिंग एक प्रिसिजन शॉट मारने के और एक रैपिड शॉट्स फायर करने के। जहां आपका निशाना एक इंच ऊपर नीचे हो भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो याद रखें कि अगर आपने एक बहुत ही प्रिसिजन शॉट मारना है, बहुत ही डिटेल्ड पिन पॉइंट शॉट फायर करना है, तो इस मौके पे आपको शायद एक आंख बंद करनी पड़ती है। और जितने भी प्रिसिजन शूटर्स हैं, ओलंपिक स्टैंडर्ड के हो गए, बुल्स आई शूटिंग हो गए, उसमें आपको एक आंख बंद करनी होती है और सारा फोकस आपको साइट्स पे रखना होता है। और जहां आप कॉम्बैट शूटिंग में होंगे या टेक्टिकल शूटिंग फायर में होंगे, तो वहां पर एक इंच दो इंच ऊपर नीचे गोली हो जाए उससे फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप आराम से दोनों आंखें खुली रखते हैं। दोनों आंख खोलने से एक बहुत बड़ा मसला शुरू में ये आता है कि जब आप गन अपनी उठाते हो तो आपको दो फ्रंट साइट्स और दो रेयर साइट्स नज़र आती हैं, बट आप हल्की सी आंख लेफ्ट वाली को हल्का सा ऐसे स्क्विंट करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ, ये वाली जो है इमेज, ये मेरी राइट आंख की इमेज है
और जिसको मैं बंद कर रहा हूँ और जो एकदम से डिसअपेयर हो जाती है वो मेरी लेफ्ट आंख की इमेज है। तो ये कन्फ्यूजन में आप कैसे एम करते हैं? याद रखिए, जब आप एक चीज़ करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो आपकी वो जो ब्लर इमेज है, जो आप जिसको इग्नोर करना चाहते हैं, वो आपका माइंड उसको ऑटोमेटिकली इग्नोर करना शुरू हो जाएगा कुछ अरसे बाद। इन सब के साथ साथ आपको सबसे पहले तो ये भी अंडरस्टैंड करना है कि साइट अलाइनमेंट है क्या। फ्रंट साइट होती है और साथ साथ आपकी रेयर साइट तकरीबन कुछ ऐसे होती है। नाउ सबसे पहले साइट्स को परफेक्ट साइट अलाइनमेंट में आपको क्या विजन फील होनी चाहिए, क्या नज़र आना चाहिए, और वो है आपका ये फ्रंट साइट हो गई और रेयर साइट इसके साथ इधर आ गई। ये है आपकी रेयर साइट और ये है आपकी फ्रंट साइट। तो अगर आप नोटिस करेंगे कि ये हाइट इसकी और ये हाइट, ये एक लाइन होनी चाहिए, और दूसरा जो ये रोशनी आपको फ्रंट साइड के राइट और लेफ्ट पे नजर आती है, ये इक्वल होनी चाहिए। नाउ दिस इज परफेक्ट साइट अलाइनमेंट। तो अगर इधर भी मैं आपको दिखाऊं तो आपकी परफेक्ट साइट अलाइनमेंट कुछ ऐसे दिखेगी। नाउ अगर ये थोड़ा सा फ्रंट साइड ऊपर हो जाए, फॉर एग्जांपल मैं आपको इस इमेज में दिखाता हूं, तो आपके शॉट्स, आपके शॉट्स हल्का सा ऊपर हो जाएगा, आपके शॉट्स ऊपर लगेंगे, नीचे हो जाएगा नीचे लगेंगे, आपकी ये वाला फासले जो हैं फ्रंट साइड के राइट लेफ्ट पे जो रोशनी नज़र आ रही है वो इक्वल होनी चाहिए। अगर आपका फ्रंट साइड थोड़ी सी भी राइट हो जाएगी, भले वो ऊपर से बिल्कुल अलाइंड है, मगर जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि आपका जो फ्रंट साइड है उसका राइट वाला जो फासला है वो कम हो गया है, रोशनी कम हो गई है और इधर रोशनी ज़्यादा है, तो इसका मतलब है आपके शॉट्स अब राइट लगेंगे। सो परफेक्ट साइट अलाइनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपने एक प्रिसीजन शॉट मारना है टू बी वेरी एक्यूरेट। थोड़ी सी भी ऊपर नीचे होने की वजह से आपके शॉट्स राइट लेफ्ट ऊपर नीचे हो जाएंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वेरी डिटेल्ड में साइट अलाइनमेंट करें ताकि आपका शॉट एक्यूरेट लगे। प्रिसीजन शूटिंग में हमारा गोल होता है 25 मीटर दूर इस टारगेट को, इस सर्कल को हिट करना, विच इज 10 पॉइंट्स। और साइट अलाइनमेंट आपने बिल्कुल परफेक्ट करनी होती है, तो इस टारगेट के ऊपर अगर साइट अलाइनमेंट होगी तो बिल्कुल इधर होगी। ठीक है, तो आपका हिट हमेशा सेंटर होगा। साइट्स की अगर बात होती है तो अगर आप, ये मेरी ओलंपिक गन है पार्डिनी की, तो इसमें आप नोटिस करेंगे कि साइट्स बिल्कुल ब्लैक हैं, बिल्कुल इनमें कोई भी और कोई निशान नहीं है, कोई कतरा नहीं है। अगर आप इधर नोटिस कर रहे हैं कि मैं साइट अलाइनमेंट कर रहा हूं, तो बिल्कुल आप देखेंगे कि बिल्कुल काली काली साइट्स हैं, कोई इसमें रेड डॉट या कोई इल्यूमिनेटिंग कोई पार्ट या कोई मैंने वाइट निशान लगाया हुआ बिल्कुल भी नहीं है। याद रखें कि अगर आप प्रिसीजन की तरफ जाना चाह रहे हैं तो आपकी साइड्स बिल्कुल ब्लैक होनी चाहिए। इनफैक्ट हम मैच से पहले लाइटर लेके इनको थोड़ा सा धुआं धुआं भी मारते हैं ताकि जितनी भी शाइन है, ग्लेयर है, वो इसकी ख़त्म हो जाए। वेयर एज जब आप मेरी कॉम्बैट गन देखेंगे तो उसके ऊपर आपको डॉट्स भी नज़र आएंगे जो शाइन करते हैं। अगला जो डॉट है वो रेड है, पिछले ग्रीन है। इसलिए क्योंकि मुझे जब कॉम्बैट शूटिंग करनी होती है तो मेरा सेंटर चेस्ट एरिया जो है वो काफी बड़ा होता है। इस टारगेट को अगर मुझे एंगेज करना है तो कोई मसला नहीं है अगर मेरी साइट इधर आ जाए, फ्रंट
रेयर साइड है दरों साथ उसके, कोई टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि फिर भी मैं सेंटर चेस्ट का एरिया हिट कर लूँगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मेरी फ्रंट साइड इधर आ जाए गन के टारगेट के। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मेरी टारगेट सेंटर चेस्ट एरिया फिर भी इंगेज होगा। मुझे क्या इम्पोर्टेंट है टेक्टिकल शूटिंग के दौरान इज कि मैं स्पीड में इसको बस टक टक दो शॉट्स मारूं और आगे जाऊं और अपने अगले टारगेट्स को शॉट्स मारूं। सो मेरी 100% साइट अलाइनमेंट सेंटर में होना ज़रूरी नहीं है इस टारगेट के लिए। मेरा थोड़ा सा राइट हो जाए, थोड़ा सा नीचे हो जाए, थोड़ा सा इधर उधर हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेरी फोकस जो है वो भी साइट्स के ऊपर ज़्यादा होना ज़रूरी नहीं है, बनिस्पत के मैं जब प्रिसिजन शूटिंग कर रहा हूँ तब मुझे बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है अपनी साइट्स के ऊपर, क्योंकि हल्की सी भी साइट्स में तब्दीली आएगी तो हल्का सा भी टर्न आएगा तो मेरा ये 10 का एरिया मिस हो जाएगा। बट कॉम्बैट शूटिंग, टेक्टिकल शूटिंग में, सेल्फ डिफेंस शूटिंग में मुझे इस सेंटर मास एरिया को हिट करना है एंड दैट्स गुड इनफ। मुझे 100% साइट अलाइनमेंट नहीं चाहिए, थोड़ी बहुत ही ऊपर नीचे हो जाए फिर भी मेरा सेंटर चेस्ट एरिया हिट होगा। तो जैसे कि आपने अभी अंडरस्टैंड किया होगा कि परफेक्ट साइट अलाइनमेंट क्या है, इसी मौके पे मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूँगा कि बहुत फ़र्क है प्रिसिजन शूटिंग में और टैक्टिकल शूटिंग में, प्रैक्टिकल शूटिंग। प्रिसिजन शूटिंग में जब आप शूट करते हैं तो एक तो आप लेफ्ट आंख बंद कर देते हैं ताकि आपका सारा फोकस एक आंख से हो, कोई और डिस्टर्बेंस ना हो, और पूरी की पूरी तवज्जो आप अपनी साइट्स पे देते हैं। याद रखें साइट्स हल्की सी भी ऊपर नीचे हो जाएंगी तो टारगेट पे एक बहुत बड़ा डेविएशन आएगा, बहुत ऊपर चली जाएगी, बहुत नीचे चली जाएगी। और अगर आपकी साइट्स बिल्कुल 100% अलाइंड हैं और आपने टारगेट पे थोड़ा सा ऊपर नीचे रख दिया तो फ़र्क बहुत छोटा पड़ेगा, 1-2 इंच का पड़ेगा। तो याद रखना प्रिसिजन के वक्त आपकी सारा फोकस आपकी साइट्स पे होना चाहिए, आपकी अलाइनमेंट 100% होनी चाहिए, फोकस आपका बिल्कुल 100% आपका साइट्स पे होना चाहिए, टारगेट बिल्कुल ब्लर हो। प्रिसिजन शूटिंग में ओलंपिक स्टैंडर्ड्स में बहुत लोग अपना एक लेंस लगाते हैं यहाँ पर रीडिंग ग्लासेस का, जिससे वो चाहे जितनी भी कोशिश कर लें वो टारगेट पे फोकस नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन्होंने अपना सारा फोकस अपनी साइट्स पे रखना है। प्रैक्टिकल शूटिंग में जैसे कि मैंने आपको समझाया कि हमने एक बड़ा टारगेट इंगेज करना होता है, सेंटर चेस्ट एरिया इंगेज करना होता है या स्टील प्लेट मारनी होती है जो इतनी बड़ी 6 इंच की होगी, 8 इंच की होगी, तो 100% साइट अलाइनमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। हाउएवर टाइम इज आपका रिक्वायर्ड है, टाइम आपको बहुत तेज़ से तेज़ करना है क्योंकि प्रैक्टिकल शूटिंग में आपका टाइम ही आपका स्कोर होता है। ऑब्वियसली हिट्स भी चेक करते हैं बट टाइम बहुत मैटर करता है। जैसे कि आप ये टारगेट्स देख रहे हैं, प्रैक्टिकल शूटिंग के टारगेट्स पीछे लगे हुए, इनके अंदर सेंटर चेस्ट एरिया और ये जितने भी मार्किंग्स हैं स्कोरिंग की ये नज़र नहीं आ रही हैं आपको, और ये ऐसा ही होना चाहिए। आपकी आँखों की एबिलिटी को आपको इस्तेमाल करना चाहिए कि जैसे आप अपनी गन निकालें तो आपकी साइट्स खुद ब खुद आप सेंटर में पॉइंट आउट कर लें। ये इंसान की एक आदत है, एक बहुत अच्छी एबिलिटी है कि हम किसी भी शेप का सेंटर पॉइंट आउट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूँ इस बुक का सेंटर कहाँ है, आपकी आंखें खुद ब खुद पहुँच गई होंगी इस पे। किधर इसका सेंटर, ठक आप अपनी उंगली रखेंगे, आंख आपकी खुद ब खुद पहुँच गई होगी इसके सेंटर में। हमारे ह्यूमंस की बहुत अच्छी एक एबिलिटी है एंड दैट इज हम किसी भी शेप, किसी भी साइज का सेंटर पॉइंट आउट बहुत जल्दी कर लेते हैं। तो इस एबिलिटी को हम इस्तेमाल करते हैं प्रिसिजन शूटिंग में, प्रैक्टिकल शूटिंग में। फ़र्क सिर्फ ये है कि प्रिसिजन में हमारा फोकस साइट्स पे होता है और प्रैक्टिकल शूटिंग में हमारा फोकस टारगेट पे होता है। तो जब भी आप निशानेबाजी करने वाले हैं, कोई मैच कॉम्पिटिशन प्रिसिजन का रखने वाले हैं, याद रखें फॉलो द टेक्निक। और टेक्निक क्या है, अपनी साइट्स पे फोकस रखें, साइड्स में हल्का सा डेविएशन हिलना ना दें उसको, बिल्कुल फिक्स हो जाएं, बिल्कुल परफेक्ट अलाइंड हो जाएं और अपने ब्लर टारगेट के बस सेंटर में रखें और कॉन्फिडेंट ट्रिगर पुल। ट्रिगर की डिस्कशन हमारी नेक्स्ट पार्ट में होगी। जिस तरह प्रिसिजन की जो टेक्निक है वो है फॉलो द टेक्निक, एफ द टारगेट, फोकस ऑन योर साइट्स ओनली, फोकस ऑन योर नेचुरल एबिलिटी टू पॉइंट आउट द सेंटर एंड जस्ट क्लिक। इसी तरह प्रैक्टिकल शूटिंग में जो आंखों का किरदार है वो है कि
जहाँ आपकी आंखें देखेंगी उतनी जल्दी आपकी साइट्स वहां आएंगी। और इसी वक्त आपको याद रियलाइज होगा कि हमने ये अंगूठे वाला क्यों किया था पार्ट वन में, क्योंकि हमारी जहाँ मेरी आंखें देखेंगी वहीं मेरा ये अंगूठा खुद ब खुद पॉइंट आउट कर देगा, मेरी डोमिनेंट आई के आगे खुद ब खुद आ जाएगा। इसी तरह मैं जहाँ मेरी आंख जाएगी वहाँ मेरा अंगूठा जाएगा। तो यही एबिलिटी है आपकी प्रैक्टिकल शूटिंग में। प्रैक्टिकल शूटिंग में योर आईज आर लीडिंग द गन। जहाँ मेरी आंख जाएगी अब इस वक्त मेरे इस लेवल ऑफ स्किल में इट्स ऑल अबाउट मेरी आंख। जहाँ मेरी आंख देखती ठक 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 मैगजीन रीलोड के वक्त मैं आंखें अपनी थोड़ी सी मैगवेल पे ले आता हूँ 2 सेकंड के लिए और वापस टारगेट पे आ जाता हूँ। जितनी जल्दी मेरी आंखें मूव करेंगी उतनी जल्दी मेरी गन मूव करेगी और मेरी बॉडी मूव करेगी। तो ये है आपकी प्रैक्टिकल शूटिंग का फंडामेंटल जो साइट्स के मुताबिक। तो फाइनली हम अपने आखिरी पोर्शन पे आ गए हैं इस पार्ट के क्या ड्रिल्स मैं आपको दूँ जिससे आप अपनी साइट अलाइनमेंट की प्रैक्टिस अच्छी कर सकते हैं। तो प्रिसीजन के लिए तो बहुत ईजी है। प्रिसीजन के लिए आपको बस एक वाइट बैकग्राउंड चाहिए। अगर वाइट बैकग्राउंड नहीं है तो एक कागज़ का टुकड़ा किसी और कलर बैकग्राउंड पे लगा दें ताकि आपको वाइट एक वाइट शो हो पीछे से। इसकी वजह यह है कि अभी आपकी प्रायोरिटी साइट्स पर सारी फोकस देने की है कि सारा तवज्जो आपकी साइट्स पर हो और परफेक्ट 100% साइट अलाइनमेंट आप कर पाएँ। तो इवन दो मेरी जो पिस्टल है, मेक श्योर गाइस कि जब आप इंडोर अपने वेपन को हैंडल करें तो शो क्लियर चेक करें, मेक श्योर इट्स ऑल क्लियर, इधर उंगली ना डालें शो क्लियर करें, चेक करें, मेक श्योर इट्स क्लियर, मैगजीन वैगजीन नहीं है। इवन दो आप घर पर हैं बट सेफ डायरेक्शन पे क्लिक करें, मेक श्योर द गन इज एम्प्टी। और अभी तक हम क्लिक्स पे नहीं आए हैं, सो याद रखें आपकी जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं उसमें अभी तक हमने ट्रिगर पुल नहीं किया है। सारी तवज्जो अभी तक हमारी अच्छी ग्रिप के ऊपर है, अच्छे स्टांस के ऊपर है और आज के लिए अच्छी साइड अलाइनमेंट के लिए। साइड अलाइनमेंट की क्या ड्रिल्स हैं जिससे आप अपनी स्किल को अच्छा कर सकते हैं? वेरी सिंपल, दीवार की तरफ अपनी इस पोजिशन को होल्ड करें, आपने सिर्फ इस पोजिशन को होल्ड करना है और एक सफ़ेद दीवार के ऊपर अपनी लेफ्ट आंख बंद करके आपने मेक श्योर करना है कि आपकी सारा का सारा तवज्जो सारा फोकस आपकी फ्रंट साइड पर हो और आपकी अलाइनमेंट 100% क्लियर हो। इस दौरान आपका फोकस खेल रहा होगा आपके साथ, फ्रंट साइड और रेयर साइड के बीच में थोड़ा सा चेंज हो रहा होगा बट ज़्यादा तवज्जो मेक श्योर करें कि आपकी फ्रंट साइड पर ही रहे। तो ये तो है आपकी प्रिसीजन की ड्रिल। प्रिसीजन में मैं अपनी गन को उठाता हूँ, मैंने अपनी मसल्स की डेवलपमेंट करनी है, मैंने इस पोजीशन में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होना है, ब्रीदिंग रिलैक्स करनी है अपनी, हम ब्रीदिंग के ऊपर भी डिस्कस करेंगे ट्रिगर के साथ साथ, बट अभी के लिए जस्ट रिलैक्स, सिंपल ब्रीदिंग करें, अपनी साइड अलाइनमेंट करें, ट्रिगर पर उम्मीद रखने की जरूरत नहीं क्योंकि हम अभी ट्रिगर पर आए नहीं हैं। और मेक श्योर करें कि वाइट बैकग्राउंड के ऊपर आपकी काली साइड्स 100% अलाइन्ड हों। शुरू में कुछ लोगों के पास ऐसी साइट्स होंगी जिसके ऊपर क्या कहते हैं आपका ऑप्टिक्स लगी हुई होंगी, कम ऑन फोकस, जिसके ऊपर आपकी ऑप्टिक्स लगी हुई होंगी, कोई मसला नहीं है, काला मार्कर लें और अपने इन वाइट डॉट्स को ब्लैक कर दें। वाइट डॉट्स ब्लैक करने से आपका तवज्जो सेंटर से उस साइड्स के कॉर्नर्स पे आ जाएगी कि उसके कॉर्नर्स बिल्कुल शार्प क्लियर हैं और तीनों के तीनों साइड्स, ये लेफ्ट पोस्ट, फ्रंट साइड सेंटर पोस्ट और राइट वाली पोस्ट, ये तीनों एक ही हाइट पर, जैसे मैंने आपको डायग्राम में समझाया था। तो ये स्ट्रेट रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भी क्लियर रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है भी, और इस तरीके से आप अपनी साइड अलाइनमेंट को 100% फोकस करते हुए, अलाइन करते हुए, उस पोजीशन को होल्ड करते हुए आप अपनी प्रिसीजन शूटिंग की साइड अलाइनमेंट अच्छी कर रही है। हाउएवर प्रैक्टिकल शूटिंग को थोड़ा सा अच्छा करना है तो वेरी सिंपल, कोई भी मेरे पास ये प्रैक्टिकल शूटिंग टारगेट्स के पैचेस हैं, ये तीन पे मैंने काला मार्कर लगा दिए और मैं ये ऐसे अपनी दीवार पे
तीन कहीं भी, जरूरी नहीं जितनी सिटी लोकेशन हो, तीसरा भले थोड़ा सा दूर रख दें, यानी ये तीन मार्क्स लगा दिए हैं। और क्या करना है, प्रिसिजन शूटिंग में सारा फोकस आपकी साइट्स पे था, प्रैक्टिकल शूटिंग में आपका फोकस आपके टारगेट पे होगा, दैट मीन्स जहां आपकी आंख जाएगी वहां आपकी हल्की सी धुंधली हुई साइट्स वहां जाएंगी। सो कोई मसला नहीं है, क्लिक क्लिक क्लिक। मेरी कोशिश है कि मैं इधर से इधर जल्द से जल्द आ सकूं, मेरी ट्रांजिशन टारगेट टू टारगेट अच्छी हो जाए, उस दौरान मेरी साइट्स भी अलाइन रह रही हैं, उनमें कोई वेरिएशन नहीं आ रही। तो ये है आपकी प्रैक्टिकल शूटिंग की और प्रिसिजन शूटिंग की साइट अलाइनमेंट की ड्रिल्स। इनको प्रैक्टिस करें। अगली पार्ट में हम ट्रिगर के ऊपर बात करेंगे और ट्रिगर बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, शायद वो लंबी वीडियो हो क्योंकि उसमें बहुत डिटेल रिक्वायर्ड है। आज के लिए इतना ही है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है। अंटिल नेक्स्ट टाइम।